मित्रों नमस्ते। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि सर विषमुक्त कृषि, विषमुक्त परसबाग, विषमुक्त किचन गार्डन किस तरह से किया जाता है। मित्रों विषमुक्त नेचुरल नैसर्गिक ऑर्गेनिक इसका मतलब यही है कि नेचुरल अधिवास में कृषि करना, किचन गार्डन करना, परसबाग करना। मित्रों आप देख सकते हैं यह छोटे छोटे पौधे मैंने इस पॉट में कुछ महीने पहले लगाए थे और अभी देख लीजिए यह सब्जी में उपयोग के लायक बन गए हैं। मित्रों इसकी विधि भी मैंने समझाई थी किस तरह से आपको लगाना है। देखिए हम अपने छत पर वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सिर्फ थोड़ी जानकारी चाहिए। आप देख सकते हैं इन गोभी के फ्लावर को बढ़ने में इस मिट्टी का अहम रोल है। यह मिट्टी मैंने कहाँ से लाई, यह कौन सी मिट्टी है और यह इन पौधों के बढ़वाड़ में क्यों महत्वपूर्ण है, इसका भी मैं वीडियो में बनाऊंगा और आपको इसकी भी जानकारी दूंगा। मित्रों बाज़ार में मिलने वाले सब्जी और फलों पर बहुत मात्रा में रासायनिक द्रव्य का उपयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने यह तय किया है कि अभी मैं मेरे घर पर ही सब्जियां ग्रो करूंगा, मेरे घर पर ही फलों को लगाऊंगा और उन्हीं को हमारे आहार में उपयोग करूंगा। मित्रों शुरू शुरू में मुझे भी लगा था कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मित्रों कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम साधारण प्रक्रिया होती है। और मित्रों अगर आपको भी यह प्रक्रिया सीखनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो कार्य करता हूँ उसी कार्य को फॉलो करना है, उन्हीं वीडियो को देखना है। और अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे हर वीडियो के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर दिया रहता है, उस मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह निशुल्क सेवा है, कोई चार्ज नहीं लगता। और आपको सब्जियों के बीज चाहिए, कोई पेड़ चाहिए तो वो भेजने की भी व्यवस्था पूरे भारत भर में हम करते हैं। आप देख लीजिए मेरे छोटे से पॉट में यह कितने अच्छे तरीके से संतरे आए हैं। और मित्रों मेरे यहाँ के अंजीर की वेराइटी का तो कहना ही अलग है, उसकी क्वालिटी ही अलग है। आप देख सकते हैं छोटे से 10 रुपए के बोरी में मैंने इस अंजीर के पेड़ को लगाया है और यह देख लीजिए कितने बड़े बड़े अंजीर उसमें आए हैं। और मित्रों यह रोज़ आते रहते हैं, रोज़ पकते रहते हैं और हमारे घर के सदस्य इसे तोड़ तोड़ के रोज़ खाते रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, देखिए यह कितना छोटा पॉट है और इतने छोटे पॉट में भी इतने बड़े बड़े अंजीर लगे हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है और ना कोई कॉपी पेस्ट किया हुआ वीडियो। मित्रों इसमें मेन रोल है इस वैरायटी का, जो वैरायटी मैंने चूज़ की है वह वैरायटी स्पेशल पॉट के लिए बनी है और पॉट में भी इससे बड़े बड़े अंजीर आ सकते हैं और वही अंजीर हम अपने खाने में उपयोग कर सकते हैं। मित्रों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस फल है अंजीर और अक्सर मार्केट में